बताओ पानी क्या इश्यूज है आपका? पहले तो बिल्डर ने इधर है ना एसआरए के नाम पे फ्रॉड किया। अच्छा, दो माले की बिल्डिंग को झोपड़पट्टी बता के एफएसआई लेने के लिए फ्रॉड किया। और कुछ लोगों को शिफ्ट किया उधर। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट कर लिया, नई बिल्डिंग बना के। अच्छा, और जो लोग को दिया है ना, वो जो बीच में आ रहे थे उनको बड़ा बड़ा फ्लैट दिया 400-400 स्क्वायर फीट। अच्छा, और बाद में हम लोग जो बच्चे हैं उनको 30% में बता के, अच्छा 30% में बता के एविक्शन करने का कोशिश कर रहे। अच्छा, और आधा बिल्डिंग भी तोड़ा हमारा। आधा बिल्डिंग तोड़ा हमारा। अच्छा, और ऐसा ही डैमेज करके ऐसा छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी आप क्या, हमारा जो ड्रेनेज लाइन जाता था उधर बीएमसी में वो भी बंद कर दिया। कितने, मेरा मदर 75 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, तो उनको टॉयलेट ये बिल्डिंग के पीछे हमारा है उसमें। अच्छा, जाने का। अच्छा, हम लोग को घर में समझो प्रधानमंत्री का जो है टॉयलेट का उसमें एप्लीकेशन करने का है, तो हम लोग को ड्रेनेज लाइन ही नहीं है। अच्छा, हम लोग ने एप्लीकेशन करके रखा है तो भी वो हमको नहीं मिलता। अच्छा, स्वच्छ भारत खाली नाम का नाम गया, लेकिन इधर पे कोई हो गया। अच्छा, 75 ईयर ओल्ड है। अच्छा, देखो मम्मी आई है। अच्छा, मम्मी को पूछो क्या तकलीफ, पूछो हम लोग पूछो। नमस्कार, किस तरीके की तकलीफ आपको हो रही है यहाँ पर? संडास का, पानी का, सब तकलीफ है। अच्छा, कितने सालों से हो रही है? 20 साल से वो आधा बिल्डिंग तोड़ के रख दिया, ऐसा ही छोड़ दिया, पूरा लीकेज ही होता है बिल्डिंग में। अच्छा, तो बिल्डर आपको किधर दे नहीं रहा है? नहीं, किधर भी नहीं दे रहा है। वो हमको भगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, हमारे पे एक्सट्रोशन के केस डाले, झूठे बना के सब सेटिंग करके। अच्छा, तो मेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके ऊपर डाला। अच्छा, मैं ग्रेजुएट हूँ अभी, लॉ पढ़ा हूँ। अच्छा, मेरे ऊपर भी वो एक्सट्रोशन का केस डाला। अच्छा, तो जो जो भी आ रहा है दबाने के लिए कि इसका जो भांडा बाहर नहीं फूटे। अच्छा, और सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे के अथॉरिटी, सब कोई भी, हर अथॉरिटी उसको सपोर्ट कर रही है। कौन सी पुलिस चौकी है जो आपके इधर जो उसको सपोर्ट कर रही है? यानी सब लोग, हर अथॉरिटी, बीएमसी से लेके एसआरए सब। अभी जो केस बनाया गया जो एक्सटॉर्शन, तो क्या पुलिस के उससे ही बना ना बिल्डिंग में रहने? और वो जो पुलिस इंस्पेक्टर था जो पुलिस इंस्पेक्टर था खुद भी है ना, वो पकड़ा गया रेड हैंडेड। अच्छा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको बाद में पकड़ा। अच्छा, वो ऐसा करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर था सोपन चौधरी। आप बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाते तो बिल्डर आपको, आपके खिलाफ केस बना देता है, झूठे एक्सट्रोशन के लगा देता है, दबाने के धमकी देता है। तो आप सरकार को, आप क्या डबल सेटिंग किया था? बोलता है मार डालेगा ऐसा बोलता है। किसको बोलता है? मारेगा मेरे लड़के को। अच्छा, लड़के को बोलता है मार डालेगा। मार डालेगा, डबल सेटिंग किया था उसने। कैसे सेटिंग किया था? अच्छा, कि हम लोग को एक्सटॉर्शन में डालने का और इधर कलेक्टर से 33-38 में ये डिमोलिशन करवा डालने का। अच्छा, जब मेरी माँ अकेली रहेगी, कोई होएगा नहीं, तो तोड़ डालने का बिल्डिंग। अच्छा, तो ऐसा सब गेम खेलते हैं सब, यानी उसमें अथॉरिटी सब साथ में मिली हुई। आप क्या सोचना देना चाहोगे सरकार को, किस तरीके से आपके साथ में अत्याचार हो रहा है और क्या मांगे हैं आपकी इस बिल्डर के ऊपर? तो किधर किधर जाता है, कोई सुनेगा तब ना। एक मिनट, इस बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्डर एसआरए के स्कैम में भी पकड़ा जा चुका है और उसकी बहुत जगह पे ऐसे घोटाले हैं। आपके पास में अभी बिल्डर के खिलाफ हमने आरटीआई डाल के निकाला है, किस तरीके से बिल्डर ने फ्रॉड किया आपके पास में सब सबूत है उसके? एसआरए ने खुद ने सब नोटिस वगैरह इश्यू किए हैं, रिपोर्ट उसमें सब बता रहे हैं। वो लोग ही खुद ही बता रहे हैं कि रिहैब बेचा है, पीएपी बेचा है, एमआरटीपी का नोटिस दिया है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, विदाउट फर्दर सीसी, विद नॉट एज पर अप्रूव्ड प्लान, ऐसे सब पूरा। कितना साल हो गया ये बिल्डिंग को खड़े हुए अभी फिलहाल? इलीगल बिल्डिंग को कितने साल हो गया? इलीगल बिल्डिंग को अभी 18-20 साल हुए होंगे। 18 साल हुआ है। तो अभी फिलहाल आपको अभी तक के 20 साल हो गए अभी आपके? 2006-07 में ना एमआरटीपी का नोटिस दिया गया। अच्छा, 2007 में एमआरटीपी इशू किया गया। अच्छा, तो अभी आप बताइए, पार्ट वो बिल्डर खुद ही आर्किटेक्ट है, खुद ही बिल्डर है। अच्छा, उसने सब फर्स्ट सिग्नेचर करके कंसेंट लेटर डाले हैं, खुद ही इंजीनियर है, और उसने सब LOI वगैरह लिया सब सब बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी वही है, सब इंजीनियर भी वही है, सुपरवाइजर भी वही है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में भी उसका कंप्लेंट करके उसको ये उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं ले रही, उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं ले रही। आपके बिल्डर का नाम क्या और उसकी कंपनी का नाम क्या है? बिल्डर का नाम सुभाष वेलजी चावड़ा है। अच्छा, उसकी बिल्डिंग फर्म का नाम है सुविधा डेवलपर्स और उसके आर्किटेक्ट फर्म का नाम है सी सुभाष एंड एसोसिएट्स। आप अभी दो शब्द में, आप अभी जो यहाँ के जो CM है, जो अथॉरिटीज है जो इनलीगल तरीके पे एक्शन ले रही है, आप उसको क्या सूचना देना चाहोगे?
मैं सीएम को बोलना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बेईमानों के ऊपर कार्रवाई करने की बात करते हैं और ईमानदारों को बचाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेईमानों को क्यों बचा रही है और ईमानदार क्यों इधर सफर हो रहे हैं? तो आपके तो उन्होंने कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ये देख के सर, आपकी सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पे होना चाहिए आपके जो आप... और मटेरियल है, हम बोलते हैं इसलिए नहीं, ये सब मटेरियल है बिल्डर के खिलाफ, ये सब मटेरियल है। पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट झूठे, एरिया सर्टिफिकेट देखे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखे, पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिया इलीगल बिल्डिंग के लिए, पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया एसआरए ने, झूठे प्लान सेंक्शन किए एसआरए ने, सब परमिशन लिया हुआ। तो अभी आप जो स्लम डिक्लेयर हुआ 30 जनवरी 1997 को, एलओआई दी गई 15 जनवरी 1997 को, स्लम डिक्लेयर होने से पहले एलओआई दे दी गई। अच्छा, ये कैसे हुआ? खुला 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 मिली भगत है इसमें, खुला खुला साफ चीटिंग नजर आ रही है, इसके खिलाफ बिल्डर पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है? हाँ, पूरा फ्रॉड है, फ्रॉड है। और आपके ऊपर वाले को झोपड़पट्टी वाला बना दिया और जो हमारी हालत झोपड़पट्टी वालों से भी बदतर कर दी। आपके पास में इतने फोर्जरी डॉक्यूमेंट है, बिल्डर के खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हुआ, आपके खिलाफ पुलिस ने एक्शन कर लिया, आप उसके बारे में पुलिस को क्या सूचना देना चाहोगे? आप पुलिस को, पुलिस का काम है संरक्षण है, खल निग्रहण है, तो पुलिस उल्टा कर रही है, जो शरीफ लोग है उनको दबाती है और एक खल लोगों को उसका रक्षण करती है, तो वो ऐसा नहीं करे और अपनी ड्यूटी निभाए। और आप दो शब्द में आपकी किस तरीके से सरकार मांगी आपकी करना चाहिए, किस तरीके से आपकी माँ को दिक्कत हो रही है, आपकी माँ सीनियर सिटीजन है, ठीक है, और क्या बोलना चाहोगे, किस तरीके से आपको डेवलपमेंट प्लान आना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए आपका डेवलपमेंट? ईमानदारी से होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और किसी का हक मारना नहीं चाहिए, जो हक है लोगों का हक देना चाहिए, है उनको खाली करना चाहिए, जो हक है लोगों का वो देना चाहिए। ये स्लम स्कीम है लोगों को घर देने के लिए है, लोगों का घर लूटने के लिए नहीं है, उनका घर लूटने के लिए। इसका 350 स्क्वायर फीट जगह है तो उसको 100-150 स्क्वायर फीट या उसको एविक्शन करने के लिए ऐसा स्कीम बनाया गया है, और बिल्डरों को मजा करने के लिए पीएपी और पीटीसी सब बेच बेच के खाने के लिए, रिहेब बेचने के खाने के लिए, इसके लिए स्कीम है ये। बोलो, इसमें भी बहुत सारा घोटाला बिल्डर ने किया, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, आप क्या बोलना चाहोगे? बस कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 20 साल से बिल्डर ने फ्रॉड किया, अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई हुई नहीं है, तो आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ की सरकार मेरे लड़के को बर्बाद कर दिया जी, 20 साल से बर्बाद कर दिया मेरे लड़के को। क्या किया बिल्डर ने? अरे क्या किया, अभी क्या झूठे केस डाले तो और क्या, झूठा केस डाल के नौकरी धंधे से सब घर में बैठे है, रोज एक एक महीने से उधर थाने में जाते हैं। अच्छा, बिल्डर ने आपके खिलाफ झूठे केस डाला है इनके ऊपर, तो आप क्या बोलना चाहोगे बिल्डर को, क्या चेतावनी देना चाहोगे आप? क्या चेतावनी बिल्डर को क्या बोलना चाहोगे आप? उसके ऊपर कार्रवाई करो, कोई भी अत्याचार करेगा तो हम झुकने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे। अच्छा, मर जाएंगे तो भी लड़ेंगे, मर जाएंगे तो भी लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, पूरे बिल्डिंग वाले सब हमारे ऊपर आते हैं बोलने के लिए, और सत्य की विजय होगी कैसे भी कर, सब दबाने के लिए चले आते हैं, हम लोग को त्रास हो रहा है लेकिन हम जीतेंगे। वो बिल्डर 2006 में पकड़ा गया था, एंटी करप्शन ने उसको पकड़ा था, और उसके बाद छूटने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उसके बाद भी उसने 10 जगह पैसे घोटाले किए ले, कम से कम 200 करोड़ का घोटाला है, डिपार्टमेंट और ये सब मिलके कर रहे ले हैं। अच्छा, कोई एक्शन नहीं हो रहे ले उसके। अच्छा, एक सही, ये महाराष्ट्र मुंबई के अंदर SRA जो है वो खाली नाम के लिए है, काम की कुछ है नहीं, कुछ नहीं, आपका बोलने का मतलब कुछ नहीं है, ये बिल्डर का तो कुछ नहीं, बाकी काम को मालूम नहीं, ये बिल्डर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चोरी कर रहे हैं, साथ में फ्रॉड ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवनारायण राजपूत है जी। क्या इश्यूज है आपका? ये जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डर ने जो डेवलप किया है, एक्चुअली ये ग्राउंड प्लस 2 का RCC स्ट्रक्चर है, जो कि इसको स्लम बताने के लिए कलेक्टर ने ग्राउंड प्लस 1 का बताया है, और इसको इनलीगली CC भी नहीं मिला है और बिल्डिंग रेडी कर दी है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है और बिल्डिंग रेडी है। अच्छा, और जो भी कंप्लेंट करता है तो ये लोग एक्सटॉर्शन मनी के अंदर जेल में डाल देते हैं। अच्छा, और यहाँ की दिंडोसी पुलिस से ये लोग मरवाते पिटवाते रहते हैं। अच्छा, और यहाँ के लोकल गुंडे हैं जी, उनसे भी ये लोग परेशान करवाते हैं। ये मतलब आपको चारों बाजू से आप एकदम बिल्डर लॉबी से ब्लॉक करके रखा हुआ है? यस यस यस, चारों बाजू से परेशान करते हैं। तो मतलब आपको किधर न्याय नहीं मिल रहा है? किधर न्याय नहीं मिल? कितने साल हो गए आपकी जो बिल्डिंग है जो ऐसी इस कंडीशन में पड़ी? कंडीशन में 22 साल से चल रही है।
अच्छा ये कंडीशन। हाँ ये कंडीशन में पहले SRD पास करवाया, फिर ये फिर SRA पास करवाया, ऐसे मतलब कोशिश में ही लगा रहता है, लेकिन आज तक सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग खड़ी कर दी। बिल्डर का नाम क्या और प्रोजेक्ट का नाम कुछ? बिल्डर का नाम सुभाष चावड़ा है जी, सुभाष बेल जी चावड़ा। कंपनी का नाम उनकी? कंपनी सुविधा डेवलपर्स। अच्छा, जो आपके यहाँ पर अभी फिलहाल जो? हाँ सुविधा डेवलपर्स। अच्छा। इसी कंपनी का नाम सुविधा डेवलपर्स है। आपका CDS नंबर क्या है? 249। 249 CDS नंबर 249 विलेज मलाड ईस्ट। मलाड ईस्ट जी। क्या 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 बोलना चाहोगे, किस तरीके से बिल्डर लॉबी चल रही है आपके इसमें, और क्या क्या आपने RTI डाल के जो आपने उजागर किया है, लोगों को उजागर किया है, और आपने आपको पता चला है? RTI डाल के तो सब मालूम पड़ा कि ये बिना परमिशन का एकदम करप्टेड काम किया है, बिना परमिशन की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। अच्छा, तो इसकी कंप्लेंट आपने SRA वगैरह में? SRA में किया, कर रहे हैं 20 साल से वही चालू है। अच्छा। लेकिन SRA वाले भी सब वैसे ही है, सब उसी में मिले हुए हैं, कोई एक्शन अच्छा। नहीं लेते अभी हम लोग जेल से छूट के आए, हमको एक्सट्रॉशन में डाल दिया उसने। अच्छा, बिल्डर ने आपको एक्सट्रॉशन में? हाँ एक्सट्रॉशन में डाल दिया। किस कारण आपने क्या एक्सट्रॉशन किया था बिल्डर को? बस खाली शिकायत कंप्लेंट किया तो एक्सट्रॉशन में डाल दिया। अच्छा, अरे हुआ कुछ नहीं, मैं तो एंटीसेप्टिक बेल में हूँ, एंटीसेप्टिक बेल मिली। अच्छा हाँ, तो फिलहाल आपको परेशान कर रहे हैं बिल्डर, कोई ना कोई केस लगा के पुलिस भी सहयोग कर रही है उसका? पुलिस हमेशा अभी भी कर रही है। अच्छा, तो आप क्या जो SRA है, SRA के जो CEO है, उनको क्या आप सूचना देना चाहोगे? SRA CEO की सूचना ये दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि ये सही सही इंक्वायरी करके इनको ये सब किया जाए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए, मतलब जो तरीके से होना चाहिए। हाँ, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अभी देखिए ना, यहाँ हम लोग टेनेंट लोग का पानी है, 8 लोगों का पानी पुराना पानी है, तो इनलीगल बिल्डिंग जो खड़ी है वहाँ पर इनलीगल लोगों को 8 लोगों का पानी, टेनेंट पुराने टेनेंट जो 50 साल पुराने टेनेंट है, उनका पानी काट के दे दिया। अच्छा, इसकी शिकायत करी नहीं आपने? शिकायत किया सब, यहाँ के MLA साहब भातखलकर साहब को भी शिकायत करी जी, वो भी नहीं सुने। वो भी मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाता हूँ, वो बोलते हैं अच्छा किया है, यानी अच्छा। बिल्डर का समर्थन कर रहे हैं। बिल्डर को क्या सूचना देना चाहोगे, क्या चेतावनी देना चाहोगे आप? बिल्डर को चेतावनी देता हूँ कि बिल्डर चेतावनी क्या देता हूँ, विनती करता हूँ बिल्डर से कि बिल्डर यहाँ पर सिस्टमेटिक काम करे, और ये बिल्डिंग जो कटिंग वटिंग कर रही की है, बिना परमिशन का काट दिया है और ये जर्जर हो गई है। अच्छा। तो उसको मरम्मत करवाए और सिस्टमेटिक इनको ट्रांसफ़र करे, जो टेनेंट है पुराने इनको सिस्टमेटिक फ्लैट में देवे। अच्छा। उसी ला के देवे, परमिशन ले और लीगलाइज काम करे। हाँ, आप बिल्डर के विरोध नहीं कर रहे हो? लीगल काम करे, लीगली काम करे, तो आपको आपका कोई विरोध नहीं बिल्डर के? कोई विरोध नहीं है। तो अभी जो आपका एक ही विरोध है कि बिल्डर ने जो गलत किया इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे हैं? इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब बिल्डर अगर सही करेगा तो आप आवाज़ नहीं उठाओगे? नहीं नहीं, कुछ सवाल नहीं है, बिल्डिंग रेडी है, सब कुछ सिस्टमेटिक दे दे। अगर बिल्डर अगर बोलेगा कि भाई टेनेंट खाली नहीं करे, इसके लिए मैं डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलना चाहोगे? टेनेंट कैसे नहीं खाली करे, जब बिल्डिंग रेडी है जगह दे देगा तो कैसे नहीं खाली करेगा टेनेंट? अच्छा, टेनेंट खाली करेगा? कितने टेनेंट अभी फिलहाल, अभी इधर बिल्डिंग मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग पूरी गिरने की कंडीशन में है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? BMC की नोटिस वगैरह आई थी आपको? BMC की नोटिस कुछ नहीं आई है। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाहोगे बिल्डर को? बिल्डर वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको लीगलाइज करे, लीगल करे, और सबको जगह दे, और सब आबादी इसको खाली करे, और जल्द से जल्द बिल्डिंग बना के दे। जल्द से जल्द बिल्डिंग बना के दे।